मित्रों कौन थे नर और नारायण? सुनिए नर और नारायण की दुर्लभ कथा। एक असुर था दंबोद्भव। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की थी। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमर्फ का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंबोद्भव अपने सहस्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहरुकवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समयक्रम में मूर्ति ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों दो शरीरों में होते हुए भी एक थे, दो शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ दो शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंबोद्भव इस वन पर चढ़ आया, तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंबोद्भव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यही जीविल होकर मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है? लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे जो दंबोद्भव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंबोद्भव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंबोद्भव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंबोद्भव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र यूं ही चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहरुकवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भाग कर सूर्य देव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने के लिए सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए।
इसके साथ ही त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात कुंती जी ने अपने वरदान को परखते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दम्बोद्भव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्रकवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्बोद्भव के भी होने से उसके कर्मफल स्वरूप उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार नर और नारायण ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि शिव आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर व नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न है, इसलिए वर मांगो। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं, तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। बोलो हरि। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।